मित्रों, ये दीदी जो है हमारे मतवा समाज के भाई है, नाम शूद्र समाज के भाई है, अन्य समाज के शरणार्थी है। नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए बताइए भाई, जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी कहती है जब तक मैं हूं मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे दीदी, कब तक हो आप, कब तक हो? 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को गौरव के साथ भारत के नागरिक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने। मित्रों, जो 50-50 साल से 70 साल से यहां आए हैं, अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, क्या उनको नागरिकता ना मिले क्योंकि आपकी वोट बैंक ना बोल रही है? दीदी, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। आपकी वोट बैंक आपको मुबारक हो, जो 70-70 साल से 3-3 पीढ़ी नागरिकता के बगैर बैठे हैं, वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मित्रों, साथ में मैं कहने आया हूं, नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों के लिए 100 करोड़ का एक फंड भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया जाएगा, वो सभी मतवा समाज नाम शूद्र लोगों के कल्याण का काम करेगा। मतवा दलपतियों को 3000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा और मतवा समाज के विकास के लिए, नाम शूद्र समाज के विकास के लिए मतवा नाम शूद्र विकास बोर्ड की भी स्थापना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, ठाकुर नगर में, ठाकुर नगर मतवा समाज का बड़ा स्थान है। सरकार बनने के पहले सप्ताह में ही ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री धाम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। ये ठाकुर नगर को तीर्थ यात्रा के रूप में विकसित कर पूरे देश भर के यात्री ठाकुर नगर आए और हमारे पूजनियों को श्रद्धांजलि देने का काम करे, इस प्रकार का हम काम करेंगे। और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर मंदिर को पर्यटन सर्किट के अंदर जोड़ने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, मोदी जी हर किसान को, देश भर में हर किसान को 6000 रुपया हर साल भेजते हैं, आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है क्या? क्योंकि ये दीदी बीच में रोक लेती है, ये कहती है 6000 रुपये की किसानों को जरूरत नहीं है। भैया बताओ, जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? 3 साल से 6000 रुपया नहीं दिया। मगर मैं आपको बताकर जाता हूं, 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, 18000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम करेगी। और उसके बाद हर साल 10000 रुपया हर किसान को दिया जाएगा, सालाना 6000 रुपया हर मछुआरे को दिया जाएगा। मोदी जी किसान सम्मान निधि भेजना चाहते हैं, दीदी भतीजा सम्मान करना चाहती है, भतीजा सम्मान। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सम्मान करने वाली सरकार चाहिए या भतीजा सम्मान करने वाली सरकार चाहिए? जोर से बोलो, किसान सम्मान या भतीजा सम्मान? पूरे बंगाल से यही आवाज आती। मित्रों, मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए हैं, जिसमें हर गरीब को 5 लाख तक का
पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य का उठाती। किसी को कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, सारा खर्चा आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है भाई? ये माताएं बहनें बताएं, मिलता है क्या? क्योंकि इसलिए नहीं मिलता, ये दीदी रोक कर बैठी। दीदी को हटा दीजिए, 2 मई से ही हर गरीब को 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी, मोदी जी प्रधानमंत्री आवास लाते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री आवास लेकर आते हैं गरीबों के लिए। दीदी अपने कैडर के 2-2 मंजिला मकान बना रही, ये सिंडिकेट वाले सब 2-2 मंजिले का मकान है। अम्फान में मोदी जी ने चावल भेजा, गरीबों का चावल।